नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा YouTube न्यूज चैनल livecities.in। बिहार को भी मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय में पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर पटना जू के मुख्य द्वार पर भी एक आयोजन किया गया है। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नगर विकास मंत्री जो कि बिहार सरकार के हैं सुरेश शर्मा, श्रवण कुमार, श्याम रजक आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि इस पोस्टर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की जो आज शिलान्यास होने वाला है, इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरी पटना मेट्रो रेल की जो ये लंबाई है, कुल 31 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी और इस पूरी परियोजना का जो व्यय है वो लगभग 13,500 करोड़ का ये लगभग पूरा व्यय आएगा। इस पूरे पटना मेट्रो के की जो परियोजना है, इस पूरी परियोजना को हम इस मैप के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये पूरा जो पटना मेट्रो का ये जो परियोजना है, इस पूरी परियोजना को दो कॉरिडोर में किया गया है। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये पहला कॉरिडोर जो है ये दानापुर से सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्रा मोड़ होते हुए जाएगा। रास्ते में रुकनपुरा, राजा बाजार, गोल्फ क्लब, पटना जू होते हुए, विकास भवन होते हुए, विद्युत भवन होते हुए पटना जंक्शन तक पहुंचेगा। दूसरे कॉरिडोर जो है वो पटना स्टेशन से न्यू ISBT तक जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गांधी मैदान, PMCH, यूनिवर्सिटी, प्रेमचंद रंगशाला, राजेंद्र नगर को भी जोड़ा गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज होते हुए कुमरार, गांधी सेतु होते हुए 0 माइल पर जुड़ेगा ये और ये जाके न्यू ISBT में प्रपोज होगा। ये जो पूरा जो है ये परियोजना है और मैप के माध्यम से आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इसका रूट है, ये रूट आपका पटना जंक्शन से मीठापुर होते हुए फ्यूचर स्टेशन के लिए गया हुआ है। तो ये हमारी पटना मेट्रो की जो पूरी परियोजना है, ये मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पटना जू के पे जो आयोजन किया गया है कि यहाँ पर जो मंच पर जो लोग मौजूद हैं, ये गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। प्रधानमंत्री बेगूसराय में जो आज उद्घाटन कर रहे हैं पटना मेट्रो का, उसके आज यहाँ पर ये गणमान्य व्यक्ति जो हैं ये गवाह बनेंगे। फिलहाल पटना मेट्रो पर पूरी नज़र हमारी बनी हुई है, इस पूरे शिलान्यास पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस शिलान्यास से जुड़े हुए हर खबर को लाइव सिटी सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना।